हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शून्य में है तो आप इसमें फंड ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोगों को फंड ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों का कहना है कि फंड ऐड कैसे करें क्योंकि इसमें डायरेक्ट फोन पे या फिर गूगल पे का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें फंड ऐड करना कैसे है। तो आप इस वीडियो में तब तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में शून्य ऐप को लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पास आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पास हमारे कॉर्नर में बेल का आइकॉन दिख रहा है राइट की ओर। उसके बगल में आप देखेंगे लेफ्ट की ओर, तो यहाँ पास आपको रुपये का आइकॉन दिख रहा होगा। तो उस रुपये वाला आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको अमाउंट टू ट्रांसफर में आपको प्राइस डाल लेना है कि आप कितना प्राइस मतलब कि कितना रुपया ऐड करने वाले हैं। तो मैं अभी नॉमिनल आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पास 100 रुपीज डाल लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पास आप यूपीआई में क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सीधा फोन पे या फिर गूगल पे का ऑप्शन नहीं आता है जो कि अदर डीमैट अकाउंट में आता है। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पास इंटर यूपीआई आईडी करके लिखा हुआ है उसमें क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी डालना होगा। अब आपको यूपीआई आईडी दिखेगा कहाँ से, आपको फोन पे में जाओगे तो आपको डैशबोर्ड में फ्रंट में ही आपको यूपीआई आईडी लिखा होता है। उसी प्रकार अगर आप गूगल में जाओगे तो गूगल में भी फ्रंट में आपका यूपीआई आईडी लिखा होता है। वहां से आप कॉपी करके यहाँ पास आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पेस्ट करने के लिए सिंपली इसमें प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे तो आपको पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पास आप पेस्ट में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने गूगल पे से अपना यूपीआई आईडी कॉपी करके रखा था। तो अब मैं यहाँ पास पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पास प्रोसीड बटन में क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास ऊपर में देख सकते हैं हमारे गूगल पे में नोटिफिकेशन आ चुका है कि फिनवेसिया अब 100 रुपीज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो यहाँ पास हम बैक आकर यहाँ पास हम गूगल पे में चले जाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पास गूगल पे में चले जाता हूँ। गूगल पे में आते हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं हमें सीधा सीधा पे का ऑप्शन आ रहा है 100 रुपीज। यहाँ पास आप पढ़ लेना, यू हैव पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम फिनवेसिया। दोस्तों, फिनवेसिया का ही है शून्य ऐप। तो यहाँ पास फिनवेसिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पास आप पे बटन में क्लिक कर देंगे। आपको हो सकता है यहाँ पास ब्लैंक शो कर रहा होगा सिक्योरिटी रीजन वॉस। तो यहाँ पास अगर आप गूगल पे में सीधा इंटर करेंगे तो आपको वहाँ पास वो पे का ऑप्शन दिखी जाएगा। तो वहां पर आपको पे के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। पे के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको यूपीआई आईडी डालकर अपने राइट टिक वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो राइट टिक वाले बटन में क्लिक करते ही आपका 100 रुपीज शून्य ऐप में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से हम यहाँ पास शून्य ऐप को ओपन कर लेंगे। शून्य ऐप को ओपन करने के बाद अब यहाँ पास अब बैक आने के बाद हमें ब्लैंक शो कर रहा है। तो यहाँ पास हम डैशबोर्ड में एक बार क्लिक कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पास प्राइस वाला आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं अवेलेबल मार्जिन जो पहले 0 शो कर रहा था वो अब यहाँ पास 100 रुपीज शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से फंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको यूपीआई आईडी आपको कॉपी करना होगा गूगल पे या फिर फोन पे से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।